लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुलदस्ता तुम अब अंदर आओ। तुम यहाँ कैसे? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। बब्बन ने बताया कि तुम हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर गोवा जा रहे हो। मुझे इस शहर ने नाम दिया था मुन्ना, फिर इसी शहर ने एक नया नाम दिया तड़ीपार। इन दोनों से रिहा होकर एक नए नाम के साथ एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। मगर मोहिनी को छोड़कर? वो सब कुछ छोड़कर जो इस शहर ने मुझे दिया, दोस्त भी दुश्मन भी। मैं तुम्हें मोहिनी के बगैर नहीं जाने दूंगा, हरगिज नहीं जाने दूंगा। आदमी को सिर्फ रिश्ते रोकते हैं गुलदस्ता, और मेरा कोई रिश्ता नहीं। एक रिश्ता है मुन्ना, और उसे बचाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। मेरे और मुन्ना के बीच ऐसा कुछ नहीं रहा जिसे बचाने की कोशिश की जाए, समझे? नहीं मोहिनी, तुम्हारे और मुन्ना के बीच में जो कुछ रह गया है वो मैं मुन्ना की आंखों में देख कर आया हूँ। क्या देख कर आए हो? पैसे की हवस? उसके लिए मैं मोहिनी नहीं, एक बुट्टे की लौंडिया बन गई हूँ, जिसे छुड़ा कर लाने के लिए उसने मेरे बाप से सौदा किया और एक नरक से लाकर दूसरे नरक में झोंक दिया। मैंने कितने विश्वास से अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया, अपने आप को भूल कर उसे प्यार किया, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, रौंद दिया अपने पैरों तले मेरी भावनाओं को। नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत करती हूँ उसके ख्याल से, नफरत करती हूँ उसके ख्याल से। यही तो चाहता था वो कि तुम उससे नफरत करने लगो। हाँ मोहिनी, वो जानता था कि जितना वो तुमसे प्यार करता है उतना ही प्यार तुम भी उससे करती हो, और जब तक वो तुम्हारी नजरों में गिर नहीं जाता, तुम्हारी नफरत का शिकार नहीं हो जाता, तब तक तुम किसी दूसरे से शादी नहीं करोगी। तुम्हें सक्सेना के महल में राजकुमारी बने देखना मंजूर था उसे, मगर यह मंजूर नहीं था कि उसकी मोहिनी एक तड़ी पार खूनी के साथ दर बदर की ठोकरे खाती फिरे। सक्सेना? हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सक्सेना तुमसे शादी करना चाहता है। और वो रुपए जो उसने मेरे सामने लिए थे? बांट दिए, सब बांट दिए उसने अपने बेरोजगार दोस्तों में। जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, मगर जो नहीं होना चाहिए उसे रोकने की कोशिश तो कर सकता हूं। मोहिनी, जब लोटिया ने तुम्हें उठवा लिया था तब इस शहर में सिर्फ एक हाथ था जो लोटिया तक पहुंचकर तुम्हें रिहा करवा सकता था, मुन्ना का हाथ। और आज जब वो एक गुमनाम जिंदगी बिताने हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा है, तब भी उसका साथ देने के लिए इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही हाथ है, तुम्हारा हाथ। इन दोनों हाथों को मिलाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, और जरूरी हुआ तो मेरी मौत का मकसद भी। जाओ मोहिनी, जाओ। ठहरो मोहिनी, तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो अंदर। अब वो नहीं रुकेगी श्यामलाल। अबे हाथ पिंडी के छोर पे। ये मेरा जिस्म जो है कोई बहुत तगड़ा नहीं है श्यामलाल, मगर जेल की काल कोठरी में तप तप कर मैंने अपनी रूह को मजबूत बनाया है, और कभी कभी रूह जिस्म से ज्यादा ताकतवर होती है। जा मोहिनी, जा। जा रही है। जा मोहिनी, जा। आज तुझे कोई नहीं रोक सकेगा। Oh!
अरे बब्बा ये तो तेरा पुराना कस्टमर आ रहा भाव। पटपटी को छोड़ना मत, पकड़ के रख। जल्दी भाग चल, नहीं तो ये बदमाश मेरा मुंह पर भी फिफा देगा। ए नान का टाइम बैंड मेरा थोबड़ा क्या देख रहा हो, जल्दी से काम पर लग जाओ, बहुत काम बाकी है। ले भाई ले। ये भाई स्कूल रखा था, किधर है भाई? नटबोल खोल के गया, और नटबोल यहाँ का निकाल के बाहर लगा। पवन भाई गजब हो गया। क्या हो गया? वो लोटिया पठान वापस आ गया है, घर में छुपा हुआ है, कह रहा था मुन्ना भाई को खत्म कर देगा। मुन्ना तक पहुंचने से पहले उसे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। अरे मुन्ना भैया आप? ए चांदी, बबन कहाँ है? लोटिया पठान तुम्हें मारने के लिए डॉकयार्ड में छिपा है, उसी से मारने वाली करने गए। तुझसे भी हिसाब चुकाना था बबन, अच्छा हुआ तू यही आ गया। मुन्ना तक पहुंचने से पहले तुझे रोकने के लिए मैं यहाँ तो क्या, तेरा पाताल तक पीछा करूंगा लोटिया। फोड़ डालो सालों को। इससे हिसाब तो मुझे चुकाना है। सामने झुकना सीखो। मुझे निहत्ता करके अपनी बहादुरी दिखा रहा इंस्पेक्टर, हिम्मत है तो पिस्तौल हटा के बात कर, फिर बताता हूं कि कौन सा कानून लोटिया पठान को झुका सकता है।
तुझ जैसे देशद्रोहियों को कानून के पैरों पर झुकाने के लिए न वर्दी की जरूरत है और ना ही इस पिस्तौल की। मेरे देश के नौजवानों के सिर्फ दो हाथ ही काफी हैं। महेश, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने दिया, यह जुर्म है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम्हारे अंदर का तेजाब बाहर निकालने का यही एक तरीका बाकी रह गया है। अब मेरा मकसद पूरा हो गया, कानून जो भी सजा दे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं।